हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आइए यार, देख चर्चा करेंगे हिंदी के एक टॉपिक पर, समास पर। समास के बारे में जानते हैं? समास शुरू करने से बता दें, हम लोग का कोचिंग चैनल यही है, जय माँ सरस्वती स्टडी सेंटर। लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे जितना ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। देखिए दोस्तों, आज हम लोग समास की बात करेंगे। हिंदी में समास कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग भी जानते हैं। सबसे पहले टॉपिक में देखते हैं समास। परिभाषा, समास शब्द का वह शाब्दिक अर्थ होता है जो छोटा रूप। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच के विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्त का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक समासिक शब्द है। फिर से समझ लेते हैं, शब्द का शाब्दिक अर्थ छोटा करता है, समास क्या करता है? छोटा रूप प्रदान करता है, जिसे हम समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर को रसोई घर, बड़ा शब्द है रसोई के लिए घर, उसके लिए हम एक छोटा सा शब्द लेते हैं रसोई घर। समास विग्रह, अब समास विग्रह कैसे करते हैं, समास को जोड़ते कैसे हैं, विस्तार कैसे करते हैं, उसके बारे में चर्चा। किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों और विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय विद्या के लिए आले, माता पिता माता और पिता। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं आगे समास के प्रकार। आइए दोस्तों देखते हैं समास के प्रकार। देखा जाए, सब कोई जानते हैं समास के 6 भेद होते हैं। हम सब जानते हैं समास के 6 भेद होते हैं, नहीं भी जानते हैं तो देखते हैं। पहला, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, क्रमधर समास। फिर से दोहराते हैं, समास के 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार के समास होते हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद, बहुव्रीहि, द्विगु समास और क्रमधर समास। अब एक एक करके जानकारी हासिल करते हैं या एक एक। पहला आते हैं अविभाव समास। अविभाव समास में देखें, अविभाव समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है और पहला पद पूरा पद अव्यय होता है, यानी वे सब जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें हम अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनर्वृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं तो वहां भी अविभाव समास होता है। संस्कृत उपसर्ग युक्त पद भी अविभाव समास का ही बोध करते हैं। जैसे अविभाव समास का कुछ उदाहरण देखते हैं, यथाशक्ति, या शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा अवसर, अवसर के अनुसार। इतना ही एग्जाम्पल काफी है। आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अब वही पढ़े हैं अविभाव समास में जिसमें प्रथम पद प्रधान होते हैं, इसमें दूसरा पद तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता या संबोधन की विभक्तियों ने है और अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार इसके उपभेद भी होते हैं। हाँ। जैसे इसका उपभेद कर्म, तत्पुरुष, कृष्णार्पण के बारे में देखते हैं, कृष्णार्पण, कृष्णा को अर्पण नेत्र, सुखद, नेत्रों को सुखद, वन गमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। दूसरा उपभेद देखते हैं, अभी हम बात किए हैं विभक्ति के अनुसार उपभेद, अभी हम लोग तत्पुरुष को उपभेद देखते हैं। करण तत्पुरुष एगो है, करण तत्पुरुष में देखते हैं ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। उसके बाद अगला बढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, विद्यालय विद्या के लिए
आल, ये सब समय का है। आगे बढ़ते हैं, आपादान तत्पुरुष ऋण मुख, उसी तरह धर्म विमुख देश निकाला, ये सब क्या है आपादान। उसके बाद संबंध तत्पुरुष मंत्री परिषद प्रेम सागर राजमाता आंचूर, ये सब जितने शब्द हैं ये सब संबंध तत्पुरुष को बोध कराते हैं। अगला है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में वनवास जुदाया ध्यान मग्न घुसवार इत्यादि द्वंद समास के बारे में बात करते हैं। उप समास तत्पुरुष का खत्म हो गया, अब द्वंद समास। द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला दो पढ़े हैं विभाव समास, उसमें पहला पद प्रधान तत्पुरुष, दूसरा पद प्रधान द्वंद, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं और सदैव नहीं। इसका विग्रह करने पर हम अथवा या का प्रयोग करते हैं, माता पिता एक दूसरे के विलोम भी है और नहीं भी हो सकते हैं, दाल रोटी जैसे दाल रोटी विलोम नहीं है, पाप पुण्य इत्यादि जो है द्वंद समास के उदाहरण है। द्वंद समास के बाद अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कह रहा है कि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और विभाव समास में हम लोग क्या पढ़े, पहला तत्पुरुष दूसरा, अब वही जो द्वंद समास पढ़ है दोनों पद प्रधान है, अब बहुव्रीहि में कह रहा है कि दोनों पद प्रधान नहीं है। इसमें प्रयुक्त पदों के समान अर्थ की अपेक्षा अन अर्थ प्रधानता रहती है, जैसे नाम कुछ और अर्थ कुछ और देता है, जैसे गजानन गज का आनंद जिसका वह गणेश, त्रिनेत्र तीन नेत्र हैं जिसके वह शिव, बने नाम कुछ और अर्थ कुछ और प्रकट करते हैं। इसमें बहुव्रीहि समास करते हैं बहुत सारा है, गिरिधर पीताम्बर घनश्याम मुरारी। आगे बढ़ते हैं सुग्रीव दिगु समास, दिगु समास दोस्तों देखते हैं, दिगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्या वाचक होना चाहिए, कभी कभी पर पद भी संख्या वाचक देखा जा सकता है। दिगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन अर्थ का नहीं, जैसे कि बहुव्रीहि समास में देखा गया है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे दो राहा पक्ष दया संपदा एक संपदादक दया त्रिभुज त्रिलोक त्रिरत्न, ये सब जितना है गिनती से शुरू होता है, ऐसे अंक से शुरू होने शब्द को हम लोग दिगु समास करते हैं। अब लास्ट बढ़ते हैं दोस्तों दिगु समास के बाद क्रमधर समास। क्रमधर समास कह रहा है कि क्रमधर समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है, तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे पुरुषोत्तम पुरुष जो उत्तम, नीलकमल नीला जो कमल, महापुरुष महान है जो पुरुष, इत्यादि जो है क्रमधर समास के उदाहरण है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, समास थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे हम लोग, रोज दोस्त प्रतिदिन हम लोग एक एक टॉपिक हिंदी में लाएंगे। आज समास की बात हो रही है, कल नेक्स्ट टॉपिक लाया जाएगा समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों को लोप कर एक छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं, जैसे रसोई के लिए घर रसोई घर, अब रसोई समास हो गया। समास जो है वह उसके विभिन्न रूप के बारे में देखते हैं। समास छह प्रकार के होते हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद समास, बहुव्रीहि समास, दिगु समास और क्रमधर समास। फिर से दोहरा देते हैं, समास छह प्रकार के होते हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद समास, बहुव्रीहि समास, दिगु समास और क्रमधर समास। अविभाव समास के बारे में देखते हैं, एक अविभाव समास में कह रहा है कि पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होते उसे अविभाव समास कहते हैं, जैसे यथाशक्ति यथाशीघ्र यथाक्रम, और पहला पद प्रधान हो तो कहते हैं अविभाव समास, और दूसरा पद प्रधान हो तो कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के उपभेद भी होते हैं, आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास के बाद आते हैं द्वंद समास। द्वंद समास कह रहे हैं द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होता है, पहला कह रहा है अविभाव समास, पहला पद प्रधान तत्पुरुष, दूसरा पद प्रधान द्वंद, दोनों पद प्रधान। द्वंद समास में कह रहे हैं दोनों पद प्रधान है, जैसे माता पिता दाल रोटी पुआपपूर्ण अन्न जल जलवायु इत्यादि जो है ये सब आपको द्वंद समास के उदाहरण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास में कह रहे हैं कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, नाम कुछ और, अर्थ कुछ और, नाम कुछ और देता है या अर्थ कुछ और देता है, शब्द कुछ और होता है और कुछ और देता है। इसमें प्रयुक्त पदों में समान अर्थ को अपेक्षा अन अर्थ प्रधानता प्रति है। जैसे गजानन, गज का अनन, त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाले, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, जैसे विष्णु तीन त्रिनेत्र के शिव, और गजानन गणेश को कहते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में कह रहा है दोस्तों कि द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे दुराहा, त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिरत्ने, पचवटी, षष्ठभुज, नवरात्रे इत्यादि। कंधार समास, कंधार समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष होता है, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, नीलकमल, नीला जो है कमल, महापुरुष, महान है जो पुरुष। अब इसी के साथ दोस्तों आज के क्लास समाप्त करते हैं, कल समास से ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा 50 को।